फिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं भाई, विच ग्रुप ऑफ आइटम्स वुड अपीयर इन द कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी बैलेंस शीट। क्या मतलब जी? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ग्रुप ऑफ आइटम्स वुड अपीयर इन द कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी बैलेंस शीट। आपको पता है जो लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो नॉर्मली तो सेम बनती है सोल ट्रेडर की तरह, क्योंकि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड तो सेम होती है, सिर्फ कैपिटल में डिफरेंस आता है। सोल ट्रेडर में कैपिटल कैसे आता है यार? ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग। पार्टनरशिप में कैपिटल कैसे आता है? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कंपनी में जो कैपिटल आता है वो आता है इक्विटी एंड रिजर्व्स के नाम से। इक्विटी एंड रिजर्व में क्या आता है? एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व वगैरह आता है। पढ़ते हैं भाई, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, डिबेंचर कभी भी कंपनी की इक्विटी का पार्ट नहीं होता। डिबेंचर कहाँ आता है? डिबेंचर आता है मेरे भाई नॉन करंट लायबिलिटी में, सही है जी? तो डिबेंचर कभी भी इक्विटी में नहीं आता, बाकी चीज़ें आएंगी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और ऑर्डिनरी डिविडेंड, डिविडेंड कभी भी इसमें नहीं आता बैलेंस शीट में, डिविडेंड आता है चेंजेस इन इक्विटी में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अगेन डिबेंचर आ गया, डिबेंचर पार्ट नहीं है इक्विटी का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, और इसके अलावा एक और भी चीज़ आ सकती है, जनरल रिजर्व। तो डी आंसर।